हाय गाइस, नमस्ते गेम चैनल, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के वीडियो में मैं आपके साथ कुछ स्किन केयर के हैक्स शेयर करने वाली हूँ और मैं एक प्रोडक्ट यूज़ करके आपको सारे हैक्स दिखाने वाली हूँ। और ये स्पेशल वीडियो मैंने समर सीज़न के लिए बनाया है। और हाँ गाइस, अगर आपको स्ट्रेच मार्क्स की प्रॉब्लम है, अगर आपका फेस बहुत ज़्यादा डल हो चुका है, आपको डार्क सर्कल की प्रॉब्लम है, तो ये वाले जो हैक्स हैं ना, वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाले हैं। तो गाइस चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, और वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर देना। चलिए देखते हैं। देखेंगे फेस मसाज, तो उसके बहुत ही अच्छे अच्छे बेनिफिट्स होते हैं। अगर आपको झुर्रियाँ हो गई है, या फिर फाइन लाइन की प्रॉब्लम है, या फिर डार्क सर्कल की प्रॉब्लम है, आपको पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम है, या फिर दाग धब्बे हो गए हो, तो ये सारी चीज़ों में फेस मसाज बहुत ही अच्छा काम करता है। तो आप एक अच्छा वाला फेस मसाज ऑयल खरीदना चाहते हो, तो मैं आपको एक बहुत ही अच्छा ऑयल दिखाने वाली हूँ, और वो है वाव स्किन सेंस का एक्स्ट्रा वर्जिन कोकोनट ऑयल। गाइज ये ऑयल बहुत ही अच्छा है, इसे आप बहुत तरीके से यूज़ कर सकते हैं। आप इसे फेस पे अप्लाई कर सकते हो, आप इसे बालों में अप्लाई कर सकते हैं, आप पूरी बॉडी पे भी इसे अप्लाई कर सकते हैं, और इसकी हेल्प से आप खाना भी पका सकते हैं, यानी कि ये फूड बनाने में भी बहुत ही हेल्पफुल होता है। मैं इसका यूज़ करके आपको अलग अलग से बहुत ही अच्छे वाले हैक्स दिखाने वाली हूँ, तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हम फेस मसाज देखेंगे। तो गाइस फेस मसाज के बहुत ही अच्छे अच्छे बेनिफिट्स होते हैं। ये स्ट्रेस की प्रॉब्लम को दूर करता है, आपकी स्किन को क्लीन रखने में हेल्प करता है। अगर आपको झुर्रियाँ की प्रॉब्लम हो चुकी है तो इसे भी ये दूर करता है। एक्ने की प्रॉब्लम को भी ये दूर करने में हेल्प करता है। स्किन को टाइट रखता है, सॉफ्ट ग्लोइंग बनाने में हेल्प करता है, और ये ब्लड सर्कुलेशन भी इम्प्रूव करता है। तो इतने सारे फेस मसाज के फायदे हैं। वाव स्किन साइंस का वर्जिन कोकोनट ऑयल है, वो बहुत ही अच्छा फेस मसाज का काम करता है। इसमें ऐसे हार्मफुल केमिकल बिल्कुल भी नहीं है जो हमारे स्किन को नुकसान पहुंचा सके। और फेस मसाज करने के बाद आप फेस को ठंडे पानी की हेल्प से वॉश कर लें। गाइज अगर आपके पास मेकअप रिमूवर नहीं है, तो आप वाव स्किन साइंस का ये वर्जिन कोकोनट ऑयल यूज़ करके भी मेकअप को रिमूव कर सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि अच्छे अच्छे मेकअप रिमूवर वाटरप्रूफ मेकअप को रिमूव नहीं कर पाते हैं अच्छी तरह से, लेकिन मैं जो आपको ये ऑयल दिखा रही हूँ ना, वो ईजिली वाटरप्रूफ मेकअप को भी रिमूव कर सकता है। चलिए देखते हैं। गाइज ये एक बहुत ही अच्छा मेकअप को रिमूव करने का भी काम करता है। आपको पूरे फेस पे इसे अप्लाई करना है, अच्छे से मसाज करना है, जिससे आपका पूरा मेकअप इजीली निकल जाएगा। उसके बाद एक टिश्यू की हेल्प से आपको इसे रिमूव करना है। गाइज इसमें मिनरल ऑयल, पैराबिन, सल्फेट ऐसे बिल्कुल भी हार्मफुल केमिकल नहीं है। और हाँ, इसे टीनेजर भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आप टीनेजर हो और आप स्किन केयर रूटीन ट्राई करना चाहते हो, तो आप ये ऑयल से ट्राई ज़रूर करें। ये एक डे क्रीम एंड नाइट क्रीम का भी काम करेगा, और इसे आप पूरी बॉडी पे भी अप्लाई कर सकते हैं। गाइज आप देख सकते हैं कि इसने मेकअप को इजीली रिमूव कर दिया है। अगर आपको स्ट्रेच मार्क्स की प्रॉब्लम है, तो स्ट्रेच मार्क्स बहुत जल्दी नहीं जाते, उसे जाने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो आज मैं आपके साथ अमेजिंग वाला एक DIY शेयर करने वाली हूँ, जिसे आपको वीक में 2 से 3 बार ज़रूर ट्राई करना है। अगर आप वीक में 2 से 3 बार इसे ट्राई करोगे, तो ये इजीली धीरे धीरे से निकलता जाएगा। तो चलिए देखते हैं। उसके लिए आप 1 चम्मच शुगर ले लीजिए, और 1/2 चम्मच सॉल्ट यानी कि नमक ले लीजिए। इसके अंदर आपको 2 चम्मच वाव स्किन साइंस का वर्जिन कोकोनट ऑयल ऐड करना है। तो ये हमारा पैक रेडी हो चुका है, अब हम इसे अप्लाई करेंगे। तो आपको जहाँ पे भी स्ट्रेच मार्क्स की प्रॉब्लम है, वहाँ पे आपको इस तरह से इसे मसाज करना है। आपको 10 मिनट तक मसाज करना है। गाइस ये एक बहुत ही इफेक्टिव वाला पैक है। आपको जहाँ पे भी स्ट्रेच मार्क्स है, आप वहाँ पे इसे अप्लाई कर लीजिए। और अप्लाई आपको बहुत ही हल्के हाथों से करना है, ज़्यादा ज़ोर से घिसना नहीं है, हल्के हल्के हाथों से आपको मसाज करना है। और इसकी हेल्प से आपकी जो स्ट्रेच मार्क्स है ना, वो धीरे धीरे रिमूव हो जाएंगे। और इसे भी आपको वीक में 2 से 3 बार अप्लाई करना है। अप्लाई हो जाने के बाद आपको एक प्लास्टिक इस तरह से रैप कर देना है, और इसे आपको 15 मिनट तक ऐसे ही रखना है। 15 मिनट हो जाए उसके बाद आपको ठंडे पानी की हेल्प से इसे वॉश करना है, या फिर आप बाथ ले लीजिए ठंडे पानी की हेल्प से। ये पैक अप्लाई करने से आपके स्ट्रेच मार्क्स है, वो धीरे धीरे से रिमूव हो जाएंगे। गाइज अगर आपके हाथ बहुत ज़्यादा डल हो चुके हैं, ब्लैक हो चुके हैं, या फिर आपको टैन की प्रॉब्लम हो गई है, तो अभी मैं जो हैक शेयर करूँगी ना, वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। इसे भी आपको वीक में 2 से 3 बार ज़रूर ट्राई करना है, और ये है ना आपको इंस्टेंट रिजल्ट देगा। आपका जो हाथ है ना, पहले आप एक हाथ में लगाइए, उसके बाद दूसरे हाथ में लगाइए। एक हाथ में आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट दिखाई देगा, आपको दोनों हाथों में डिफरेंट दिखेगा। तो ये आप ज़रूर ट्राई करना। चलिए देखते हैं। सबसे पहले आपको 1 चम्मच बेकिंग सोडा लेना है, 2 चम्मच वर्जिन कोकोनट ऑयल ऐड करना है, और 1 चम्मच लेमन जूस ऐड करना है।
तो ये हमारा पैक रेडी हो चुका है, आपको इस तरह से हाथों पे अप्लाई करना है। गाइस ये बेकिंग सोडा है ना, वो हैंड को ब्राइट बनाने में हेल्प करता है, और कोकोनट ऑयल आपके हाथों को स्मूथ एंड सॉफ्ट रखेगा, और लेमन जूस सन टैन की प्रॉब्लम को दूर करेगा, और आपके हाथों को ये भी ब्राइट बनाने में हेल्प करेगा। गाइस अगर आपकी बैक या फिर नेक काली हो चुकी है, आपको टैन की प्रॉब्लम हो गई है, तो जो हमने हाथों पे जो अप्लाई किया था वही पैक हमें नेक पे और बैक पे भी अप्लाई करना है। इससे भी आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा, और जब भी आप उसे हाथों में अप्लाई करें ना, तभी आपको नेक और बैक पे भी उसे अप्लाई करना है। तो चलिए देखते हैं गाइस, ये गर्मी की सीजन में बैक और नेक भी बहुत ज़्यादा ब्लैक हो जाती है, और इस पे भी दाग धब्बे जैसा हो जाता है। तो अगर आपको ये प्रॉब्लम हो रही है ना, तो आप यही पैक नेक पे और बैक पे भी अप्लाई करें, ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। इससे भी आपको इंस्टेंट रिजल्ट मिलेगा। इसे 5-5 मिनट तक मसाज करें, बैक पे 5 मिनट और नेक पे 5 मिनट। उसके बाद इसे भी आप ठंडे पानी से वॉश कर दे, आपको इंस्टेंट रिजल्ट दिखाई देगा। अब मैं आपको लिप टिंट बनाना सिखाने वाली हूँ, और ये जो लिप टिंट है ना, वो आपके लिप्स को मॉइस्चराइज भी रखेगा और साथ में हल्का सा एक कलर भी देगा। तो गाइस चलिए देखते हैं कि लिप टिंट कैसे बनाया जाता है। थोड़ी सी लिक्विड लिपस्टिक ले लीजिए, यहाँ पे मैं बेनिफिट कॉस्मेटिक का गोगो टिंट यूज कर रही हूँ। थोड़ी सी आपको ऐड करनी है, उसके बाद आपको 1 चम्मच वर्जिन कोकोनट ऑयल यूज़ करना है, और इसे अच्छी तरह से मिक्स करना है। ये अच्छी तरह से मिक्स अगर नहीं हो पाए, तो आपको इस तरह से जो भी कंटेनर है उसे इस तरह से शेक करना है। उसके बाद आपका जो लिप टिंट है वो रेडी हो जाएगा। तो ये आपके लिप्स पे कलर भी देगा, और साथ में लिप्स को मॉइस्चराइज भी रखेगा, और आपके लिप्स को ड्राई बिल्कुल भी नहीं होने देगा। गाइज ये था मेरा आज का वीडियो, आई होप आपको ये पसंद आया हो। अगर पसंद आया हो तो वीडियो पे लाइक ज़रूर कर देना, एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल और भी अच्छे अच्छे वीडियोज देखने के लिए। मिलते हैं बहुत जल्दी एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।